जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों वीडियो को इसलिए स्किप मत करना कि मेरे पीछे बड़ी बड़ी स्क्रीन नहीं है। वीडियो को आप नॉलेज को जानने के बाद में स्किप करना कि नॉलेज है या नहीं है। और दोस्तों आज मैं जो आपको ट्रेडिंग का कंसेप्ट बताऊंगा ना, अगर ये कंसेप्ट आपका काम नहीं करना, देखो प्रोबेबिलिटी होती है 10 में से अगर 8 बार भी ये काम नहीं कराना तो मेरे इस चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर देना। आपको ये कंसेप्ट आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा, आपको ये पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा ये मान लो आप। और दोस्तों मैंने आपको जब भी टाइम मिलता ना जो मैं आपसे कॉल करके बात कर लेता, आज भी मैंने 10-15 लोगों से बात की थी, वो सब बोलते हैं कि सर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस जानता हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न जानता हूँ, चार्ट पैटर्न जानता हूँ, फिर भी ना मैं लूज में हूँ। तो आपका जो ये घमंड है ना नॉलेज का कि मैंने इतनी नॉलेज ले रखी है, सब कुछ आता है मेरे को, फिर भी मैं लॉसेज में, तो ये घमंड में ना आज आपका मैं तोड़ दूंगा कि आप सब कुछ आने के बाद में भी आप लॉस में क्यों, आपका ये घमंड आज टूट जाएगा। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और नोट्स जरूर बनाना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देर के आप शुरू करते हैं। मतलब दोस्तों ये 3 सब कंसेप्ट आप सीखने के बाद में ये बोलोगे वाह सर क्या चीज सिखाई। तो दोस्तों ये 3 कंसेप्ट है ट्रेंड रिवर्सल के। आपको चार्ट को देखने के बाद में ये पता चल जाएगा कि ट्रेंड रिवर्स कैसे होता है। ट्रेंड रिवर्स ना 3 तरीकों से होता है, 3 तरीके आप देखो गौर से देख लो, मैं आपको विथ लॉजिक के साथ बताऊंगा और आपको प्रूफ भी दूंगा। और ये मान लो कि इसको सीखने के बाद में आप ऐसे बोलोगे सर इस चीज के कितने पैसे बने, आप मेरे को ये बात बोलोगे, तो देखो अब असली चीज तो ये है। तो देखो दोस्तों मार्केट यहां से ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई और फिर से एक और हायर लो, उसके बाद में एक और हायर हाई बनाया, ठीक है। मतलब मार्केट अब ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे हायर लो बनाने के बाद में मार्केट ने हायर हाई बनाया नहीं और ये फर्स्ट लोअर हाई बना दिया, और लोअर हाई बनने के बाद में इस लो को टूटने के बाद में अपन एंट्री ले लेंगे। तो ये तो हो गया पहला तरीका मार्केट ट्रेंड चेंज कैसे करता। अब आ जाते हैं अपन दूसरे तरीके पे। तो देखो दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि ये बनाया अपना हायर हाई, फिर बनाया हायर लो, फिर से हायर हाई और ये हायर लो, और ये बनाया हायर हाई, लेकिन अब की बार हायर लो नहीं बनाया था और डायरेक्ट लोअर लो बना देता इसको तोड़ने के बाद। मार्केट अगर इसको नहीं तोड़ता ना तो मार्केट अप ट्रेंड में होता, लेकिन इसको तोड़ दिया मतलब अब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुका है। और ये जैसे ही मार्केट इसके ऊपर गया इसको रिटेस्ट करा, और इसको रिटेस्ट करने के बाद में जब ये नीचे आया तो इसको नीचे आने के बाद में अपन यहीं पर एंट्री ले लेंगे। एंट्री लेने के इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं मैं आपको एक वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन आप यहाँ से बस ये देख लो इसको तोड़ने के बाद में आपको एंट्री लेनी। एंट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, मतलब आपको ना एक वीडियो में बता ही नहीं सकता, इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं एंट्री के। अब देखो यहाँ से मार्केट ये बनाया यहाँ पर हायर हाई, हायर लो और फिर से हायर हाई, हायर लो, और अब की बार हायर लो बनाया है नहीं और मार्केट हायर हाई में गया है नहीं। इसको तोड़ता तो ये हायर हाई में हो जाता मार्केट, लेकिन हायर हाई बनाया नहीं, मार्केट यहीं पर जाके रिवर्स हो जाता है और इसको तोड़ने के बाद में अपन यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये तो हो गई अब ट्रेंड कैसे रिवर्स होता, अब आ जाते हैं अपन डाउन ट्रेंड कैसे रिवर्स होता है, ठीक है। तो देखो डाउन ट्रेंड दोस्तों इस तरीके से रिवर्स होता है, ये है हमारा लोअर लो, ये है हमारा लोअर हाई, फिर से लोअर लो, ये लोअर हाई, फिर से लोअर लो, लेकिन अब की बार इसको तोड़ देता है और हायर हाई पहले बना देता है, और इसको तोड़ने के बाद में ही अपन यहाँ पे एंट्री ले। दोस्तों ये इतना खतरनाक तरीके से काम करता है ना मैं आपको बता नहीं सकता, अभी आप देखना, आप खुद देखना इसको, ये मतलब लाजवाब चीज है, ये आपको आज तक किसी ने बताई नहीं होगी, मेरे को तो जहां तक अंदाजा ना, देखो मैं तो किसी के चैनल देखता नहीं, आपको पता होगा आपने कहाँ पे ये सीखा है नहीं सीखा, अगर सीखते हैं तो इतने लॉसेस थोड़ी होते। तो यहाँ पे देखो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये बनाया लोअर लो और ये बनाया लोअर हाई, और अब की बार लोअर लो नहीं बनाया और ये हायर लो बना दिया। इसको तोड़ता मार्केट तो लोअर लो में आ जाता, लेकिन इसको तोड़ने के बाद में अपन यहाँ पे एंट्री ले लेते। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमारी गलतियां अब तक हो क्या रही थी, देखो ना अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपकी गलतियां कहाँ पे होती है। ये तीनों तरीके आप नोट कर लेना मार्केट में, इन तीनों तरीके अलावा कोई चौथा तरीका, देखो मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मार्केट में चौथा तरीका नहीं है, मार्केट में चौथा तरीका भी है,
लेकिन वो मुझे देखो, मैंने अब तक डिस्कवर नहीं किया तो मेरे को पता नहीं है कि चौथा तरीका कौन सा। लेकिन आप इस तरीके से करके आप हो सकता है कि आप चौथा तरीका भी ढूंढो, लेकिन मेरे को तो ये तीन तरीके आते, तो बस मेरे को ये तीन ही आते। देखो संदीप सर के मैं वीडियो देखता हूँ तो वो सर बोलते हैं कि कभी भी आप ये घमंड मत करो कि मेरे को सब कुछ आता है। आप अगर घमंड करने लग जाओगे ना कि मेरे को सब कुछ आता है तो आप सीखना बंद कर दोगे। तो मैं हमेशा ऐसे बोलता हूँ कि मेरे को कुछ भी नहीं आता, स्टॉक मार्केट में मेरे को कुछ भी नहीं आता, मेरे को ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं आती। तो मैं जब ये चीज बोल के चलता हूँ ना तो मैं हर चीज को सीखने के लिए तैयार बैठा रहता हूँ। ठीक है, तो अब वीडियो लंबी हो जाएगी तो ये मोटिवेशन की बाद में करेंगे अपन। तो ये देखो, ये बनाया मार्केट ने लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, और अब की बार लोअर लो बनाया नहीं मार्केट ने यहीं पर, और ये डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारी गलती कहाँ पे होती है, सबसे बड़ी गलती हमारी कहाँ पे होती है। हमारी गलती होती है यहाँ पे, देखो मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड में रहता है, इस तरीके से अप ट्रेंड में रहता है मार्केट, यहाँ से गया हायर हाई, हायर लो, और ये हायर हाई, और यहाँ पे मार्केट एक एम पैटर्न बना देता है इस तरीके से। ये एम पैटर्न बना दिया, एम पैटर्न का इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ तक इसने टारगेट दे दिया, और यहाँ से मार्केट वापस से रिवर्स हो जाता है। अब देखो आपको यहाँ पे ये समझ में नहीं आया होगा, मेरे को पता है, क्योंकि या अब मैं लाइव में बताऊंगा ना आपको, लाइव चार्ट पर, तब आपको समझ में आ जाएगा ये कि मैंने ये क्या बोला। देखो हुआ क्या मार्केट में, यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ पे मार्केट ने हायर हाई बना दिया। ठीक है, समझना ध्यान से, ये आपको चार्ट पैटर्न की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हायर लो बनाया और यहाँ पे फिर से हायर हाई बना दिया, और ये हायर लो बना दिया, और यहाँ पे फिर मार्केट ने हायर हाई नहीं बना दिया, और यहाँ से सबको लगा कि ये एम पैटर्न बन गया है। ठीक है, ये एम पैटर्न बना, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन मार्केट जब इस लो को तोड़ा ही नहीं है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में कैसे हो गया? ये अभी भी ये तो वो तो वो तो मैं एम पैटर्न यहाँ पे बना दिया, लेकिन बहुत बार होगा इसका ब्रेकआउट भी नहीं होगा, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो बहुत बार तो इसका ब्रेकआउट भी नहीं होगा, ये यहीं से ऊपर चला जाएगा। लेकिन आप क्या सोचोगे, मार्केट तो नीचे गिरेगा, लेकिन नहीं गिरेगा मार्केट, क्योंकि भाई ये अप ट्रेंड में। अभी मैं प्रूफ दूंगा इसका, क्यों नहीं काम करते ये चार्ट पैटर्न है। अब यहाँ पे ये मार्केट यहीं से निकल जाएगा, कई बार तो एम पैटर्न का टारगेट देके ये मार्केट यहाँ से निकल जाएगा। तो भाई मैं कैसे मान लू ये डाउन ट्रेंड, कि ये इसको तोड़ने के बाद में भाई ये इसको तोड़ के आया नहीं, तो मैं डाउन ट्रेंड कैसे मान लू? मतलब हद हो गई आपकी भी। तो जब तक ये इसको नहीं तोड़ेगा ना, तो तब तक अपन यहाँ पे डाउन ट्रेंड मान ही नहीं सकते। एम पैटर्न ने काम कराया, उसको टारगेट दिया, चलो निकल। एम पैटर्न को तोड़ा भी नहीं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई मार्केट अप ट्रेंड में है, तो ये एम पैटर्न काम नहीं करेगा जब तक एक भी लो नहीं टूटेगा। अगर ये एम पैटर्न इस लो के पास में यहीं पे बनता, इस लो के पास में फिर तोड़ता, फिर ये डाउन ट्रेंड में आ जाता। तो इस वजह से आपके चार्ट पैटर्न काम नहीं करते, और पता नहीं आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे, और एंट्री के मेथड बहुत सारे। अब देखो इसका लॉजिक, लाइव मार्केट चार्ट पैटर्न देखना आप। तो मैं आपको 10 साल पुराना चार्ट तो बताऊंगा नहीं, है ना, आपको मैं कल परसों 4-5 दिन की जो भी लेटेस्ट चार्ट है वही बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है इसमें, अपन बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। तो मैं आपको विथ लॉजिक के साथ बता रहा हूँ। देखो आपको चार्ट मैं बोलता हूँ कि चार्ट खुद बोलेगा, देखो चार्ट खुद बोल रहा है कि मैं यहाँ से रिवर्स हो रहा हूँ, लेकिन कोई बात आती है फिर क्या बोलूँ बार बार मैं आपको। मैं ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, यहाँ पे मार्केट आ गया नीचे, ये लोअर लो। अब ये लोअर लो बनाने के बाद में ये लोअर हाई, अब देखो ये लोअर हाई नहीं बनाया, और यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया, और यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती। ठीक है, ये तो हो गया एक। अब आ जाते हैं अपन दूसरे पे, ये है कल का चार्ट, पता ही होगा, याद होगा कल का चार्ट। तो देखो दोस्तों कल का चार्ट, यहाँ से मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, ये हायर लो नहीं बनाया, मार्केट इसी के अंदर है। ठीक है, इसको तोड़ा, और ये मार्केट उसके बाद में हायर हाई, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, अब ये मार्केट पहला लोअर लो बना दिया, और ये लोअर हाई, ये लोअर लो, फिर से लोअर हाई, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, अब वापस में लोअर हाई, और लोअर लो नहीं बनाया, और यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। ठीक है, लेकिन आप वेट करोगे। अब देखो वो डब्ल्यू पैटर्न वाले की बात बताऊं आपको। देखो डब्ल्यू पैटर्न, देखो रोज तो नहीं बनता ऐसा चार्ट पैटर्न, हर जगह पे ना अलग अलग चार्ट पैटर्न फेल होते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग होते हैं। देखो आप यहाँ पे देखो, ये क्या पता कितनी तारीख का चार्ट है, ये 2 अगस्त का आया। देखो 2 अगस्त के में देखो आप, मार्केट यहाँ से नीचे आया है ना, ऊपर गया, ये लोअर लो बनाया, और इसको तोड़ के देखो ऊपर निकल गया।
ये हमारा जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है ना, डायरेक्ट लोअर हाई बना दिया मार्केट ने। यहां से देखो डायरेक्ट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, और ये डायरेक्ट लोअर हाई बना दिया इस जगह पर। इसको तोड़ने के बाद में डायरेक्ट लोअर हाई बना दिया, मार्केट खुद बोल रहा है। और बताता हूं ना अपन, देखो खुद जिंदगी निकाल दी 2 साल इसी के नीचे, आंखों के नीचे निकल गई 60 के नीचे, देखते देखते खुद ही सीखते सीखते। तो भाई एक एक चीज पता है मेरे को, कहाँ पे क्या होती है, कहाँ पे कौन सी चीज फेल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मार्केट, पहले देख लो मार्केट अप ट्रेंड में है। यहाँ से देखो अपन डाउन ट्रेंड से शुरू करते हैं, पहली बार पहले अपन डाउन ट्रेंड से शुरू करते हैं कि डाउन ट्रेंड कैसे रिवर्स होता है। ठीक है, ये लो जी मैं ये डाउन ट्रेंड को शुरू करता हूँ यहाँ से, ये रिवर्स हुआ ना जो, अभी अभी देखते हैं आप, ये लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई, ये लोअर लो, नहीं ये डायरेक्ट है वहीं पे, एम पैटर्न बना। ठीक है, एम पैटर्न बन गए। यहाँ पे ट्रेंड कौन सा चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो ये एम पैटर्न बना है, इसको तोड़ा। ठीक है, इसको तोड़ने के बाद भी मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो बना दिया। ठीक है, अब एम पैटर्न का जो भी टारगेट है ना, इसने ये दे दिया, इसने ये दे दिया, क्योंकि जहां पे भाई लोअर लो आ गया। अब ये लोअर लो बनाए और ये डायरेक्ट देखो इसको तोड़ने के बाद में ये हायर हाई, हायर हाई में चले गए, हायर लो, और ये वास्पेश मार के हायर हाई हायर लो, और हायर हाई में चल रहा है अभी। देखो अभी अपन ऊपर चलते हैं यहाँ पे, और ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गए अपन यहाँ पे गए। ठीक है, देखो प्रैक्टिस करो, मैं ये बोल रहा हूँ ना आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये नई चीज़ है आपके लिए, तो प्रैक्टिस करना। हायर देखो यहाँ से देखना मार्केट को, ये इस जगह पे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये एम पैटर्न दिख गए लोगों को, बस इतना सा बन गया ना, उसमें ही उनको एम पैटर्न दिख जाता भाई, एम पैटर्न बन गया जोर जोर। मैं भी लाइव करता हूँ ना, कमेंट में आते हैं सर ये एम पैटर्न बन गया, ले लेंगे ट्रेड यहाँ पे, मैं मना कर देता हूँ, मेरे को दिखता रहता है वहां पे। तो ये देखो इसको तोड़ा, एम पैटर्न का जो भी टारगेट है आप मान रहे हो इसको, मान लो एम पैटर्न है, ये ट्राइंगल पैटर्न है, कुछ भी इसका जो टारगेट है ये दे दिया। अब ये इस लो को तोड़ता ना, तब तो मानता भाई कि मार्केट इस और भी गिरता, लेकिन जो भी इसका टारगेट है वो इसने दे के वापस में हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो, ये हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो। अब हायर आए बना ही नहीं पाया, मार्केट वापस से नीचे आ गए, लोअर आए लोअर लो, और ये मार्केट ने एक यहाँ से ब्रेकआउट दिया हायर आए का, लेकिन वापस से मार्केट ने हायर आए नहीं बनाया यहाँ पे, और ये ब्रेकआउट देके एम पैटर्न का नीचे आ गया। देखो ये लो टूट गया, तो डब्ल्यू पैटर्न ने खतरनाक काम भी करा। तो जब लो टूटता है ना लो, तब भाई डब्ल्यू पैटर्न खतरनाक तरीके से काम करता। और ये स्ट्रेटेजी देखो बैंक निफ्टी निफ्टी 50 50 50 50 किसी में भी ट्राई कर लेना आप, किसी में भी ट्राई कर लेना, जहां पे भाई फेल हो रही ना बता देना, अपन यहीं पे बैठे कमेंट बॉक्स में बता देना, जो भी चीज समझ में नहीं आए वो भाई एक बार नहीं 10 बार पूछो, 1000 बार पूछो, बताने का काम मेरा है भाई, आपकी इश्यू सोल्व करने का काम मेरा, ये मेरा धर्म है। हायर देखो अब यहाँ पे देखो लोड़ लो, लोअर हाई लोड़ लो, लोअर हाई लोड़ लो, लोअर हाई, ये लोड़ लो, और ये डायरेक्ट मार्केट हायर हाई में चला गया यहाँ से। देखो ये छोटी छोटी चीजें ना यहाँ, ये भी है मार्केट में हायर हायर लो, लेकिन अब बड़े चीजों को देखो यहाँ पे, ये बड़ा यहाँ पे ये बड़ी चीज है, ये ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी चीजों को देखा करो आप। देखो अभी मैं ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम करता हूँ, देखना आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और भी अच्छे से ट्रेंड कैच कर पाओगे, देखना 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं अभी अपन। यहाँ से देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, देखो यहाँ से ये गया हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो, और ये हायर है, और ये डायरेक्ट लोअर लो बना दिया मार्केट, फिर ये लोअर आए और ये लोअर लो, फिर ये मार्केट ने डायरेक्ट हायर आए बना दिए, ये हायर लो। और एंट्री के मेथड अनगिनत है, मतलब आपको बता नहीं सकता कितनी एंट्री के तरीके हैं, खतरनाक खतरनाक वाले एंट्री के तरीके, मतलब आपको बता नहीं सकता एक वीडियो में इतनी खतरनाक तरीके हैं। ये अब यहाँ पे देखो ये बना लोअर लो, ये लोअर हाई ये लोअर लो, ये लोअर हाई ये लोअर लो, ये लोअर हाई ये बना लोअर लो, ये लोअर हाई ये लोअर लो, ये बना लोअर हाई। ठीक है, और ये लोअर लो नहीं बनाया और मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया। दिख रहा है ना मार्केट बोल रहा है ना, आपको बस दिखाई देना चाहिए और सुनाई देना। यहाँ से मार्केट सस्टेन नहीं करा, मार्केट ने हायर हाई नहीं बनाया, वापस से मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। ठीक है, अब मार्केट वापस से देखो यहाँ पे नीचे आ गया इस जगह पे, अब मार्केट यहाँ से देखो वापस से नीचे, देखो ये लोड़ लो लोअर आए लोड़ लो लोअर आए लोड़ लो लोअर आए लोड़ लो, ये लोअर आए लोड़ लो लोअर आए लोड़ लो लोअर आए लोड़ लो, और ये हायर हाई हायर लो, और ये देखो डायरेक्ट निकल गया मार्केट यहाँ से। तो भाई मार्केट चार्ट बोल के जाता है, बिना बोले नहीं जाता है। आपको कुछ भी चीज ना, एक भी बारीक सी बारीक चीज भी समझ में नहीं आया ना,
तो भाई बिना हिचक के पूछ लेना। मैं कोशिश करूंगा आपकी हर कमेंट का जवाब देने की, मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है आपको सिखाना। तो आप कोई भी चीज़ हो ना पूछ लेना। और मेरे को पता है आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा ना, मेरे को पता है क्योंकि चीज़ थोड़ी हैवी है, मेरे को पता है इसके बारे में। तो अपन लाइव आएंगे मंडे को, लाइव आएंगे ना, तब मैं एक और ब्रीफ से आपको अच्छे से, जैसे मैंने फिबोनाची को समझाया ना उस तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। और भाई देखो मैं इस चीज़ की आपको सच्ची बता रहा हूँ ना, ये चीज़ काम करेगी है ना, और आपके बहुत सारे लॉसेस कम हो जाएंगे। आप ये बोलते हो ना यहाँ पे एम्पेटर मर गया, ये टूट रहा है, वो देखो अब मैं जो आपसे समझाया हूँ ना, मेरे को पता नहीं आपको समझ में आया नहीं है क्योंकि चीज़ थोड़ी हैवी है ना। तो वो देखो चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद में ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।